खबर है मिर्जापुर से। आज दिनांक 17 फरवरी को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव नूतन ठाकुर के आह्वान पर मिर्जापुर जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन देते हुए जिलाध्यक्ष ब्रिजेश प्रताप सिंह ने बताया कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में कई अत्यंत गंभीर टिप्पणियां की हैं, जिनका प्रथम दृष्टया यह अर्थ निकलता है कि उप इलेक्टोरल बॉन्ड निश्चित रूप से सरकार और सरकारी तंत्र का अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए हासिल हुए हैं। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए समस्त योगदान स्वतः ही अत्यंत संदिग्ध हो जाते हैं और उनकी प्राप्ति में अनुचित और अवैधानिक विधादों का प्रयोग जाना और सत्ता का दुरुपयोग स्पष्ट दिखता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अब तक कुल 16,518 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं, जिसमें से 8,684 करोड़ रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी को, 1,306 करोड़ रुपए कांग्रेस को तथा इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में सत्ताधारी दलों को प्राप्त हुआ है। राज्यों में जिन दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के सहयोग से राशि प्राप्त हुई है वे सभी उन राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों थी। उपरोक्त तथ्य इलेक्टोरल बॉन्ड की प्राप्ति को अत्यंत संदिग्ध बताए जा रहे हैं या सीधे सीधे सत्ता के भ्रष्टाचार से जुड़े दिख रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से आजाद अधिकार सेना के कार्यकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि कृपया सुप्रीम कोर्ट को 15 फरवरी 2024 के निर्णय के आलोक में अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए समस्त योगदान को अवैधानिक घोषित कर समस्त संबंधित दलों को उक्त धनराशि भारत के राजकोष में तत्काल जमा किए जाने हेतु समुचित निर्देश के निर्गत कराए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट कुड्डूखा। मैं डॉक्टर वीरनाथ, आजाद अधिकार सेना पूर्वांचल प्रभारी। हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, क्या है आज का एक ज्ञापन है? जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको चुनावी बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई करोड़, 16,000 करोड़ रुपए का बीजेपी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा लिया गया है, जो कि नाजायज तरीके से इसका उपयोग किया गया है। इसको वापस कराने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं। क्या मांग है? मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को जो आदेश जारी किया था कि असंवैधानिक बॉन्ड है, उसको निरस्त करते हुए सभी जो बीजेपी या कांग्रेस जिसके पास भी लिया गया उसको वापस कराने के लिए हम लोग मांग किए हैं।